कृष्ण जी से किसी ने सवाल पूछा था ना कि कई बार जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि डिसाइड करना पड़ता है ये करें या वो करें, सही क्या है गलत क्या है पता नहीं चलता। कृष्ण जी मुस्कुरा के कहने लगे, नहीं ये गलत बात है, सही क्या है हमें पता होता है, गलत क्या है हमें पता होता है, पर हमें लालच सही तरफ जाने से रोक देती है, गलत तरफ खींच लेती है। कमजोरी हमारी अपनी जिसे हम दुविधा कहते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मानो किसी ने रिश्ता करना है लड़की का, लड़के वाला बहुत पैसे वाला है पर शराब भी पीता है। अब यहाँ पर दुविधा है, पैसा देख रहे हैं सामने, शराब पीता कोई बात नहीं बाद में छोड़ देगा। अब यहाँ पर फैसला सीधा सीधा होना चाहिए, नहीं करना है रिश्ता। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, शराबी के घर की लड़की ले लो पर देना मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है, करें कि ना करें, कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए थी, हमारा लालच हमारी कन्फ्यूजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहने लगे, कन्फ्यूजन होती ही नहीं, पर अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि कन्फ्यूजन है, आईने के सामने खड़ी हो जाओ और अपने आप से सवाल पूछो, अगर ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है तो मैं क्या डिसीजन लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो डिसीजन वही सच्चा होगा, क्योंकि जिसे पता है मौत आनी है अगले दिन, वो गलत काम करेगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पंक्तियां बड़ी ही कमाल की है। गुरु तेग बहादुर जी समझा रहे हैं, सर्वनिवासी सब में है, सब देख रहा है, सब सुन रहा है, सदा अलेपा पर सदा निर्लेप रहता है, कर्मों के बीच में दखल नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।